जिन्नात का गुलाम किस्त नंबर 32। आज जिन्नात एक नए रूप से मेरे सामने थे। मेरी बदगुमानी हकीकत में बदल गई थी। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने जिन्नात को इंसानी रूप में जिस तरह से देखा था उसने मेरी बदगुमानियों को तोड़ दिया था, ख़त्म कर दिया था और मुझे लग गया कि ये हकीकत में जिन्नात ही हो सकते हैं। बाबा जी गाँव के चौराहे में मेरे पास तनहा खड़े थे। रियाज शाह भी वहाँ मौजूद नहीं था। एक ताकत मेरे बदन को छू रही थी। मैं बेसाख्ता सिसकियाँ लेने लगा। बाबा जी ने मेरे सर पर दस्ते शफकत रखा और बोले, मेरे बच्चे तुम जिन रास्तों पर चल रहे हो किस्मत वाले ही इस भेदों से भरी मंजिलों के राही होते हैं। तुम पर बहुत कुछ आश्कार हो रहा है। ये बातें ऐसे ही हैं जैसे महीनों के भूखे इंसान को एकदम लजीज खाने दिए जाएं तो वो जानवरों की तरह खाने पर टूट पड़ता है। आंतें जो भूख से सिकुड़ रही होती हैं एकाएकी इतना ज़्यादा खाना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे दोस्त ये सलूक और तसव्वुफ की राहें भी ऐसी होती हैं। जिन लोगों ने कभी ऐसे हालात ना देखे हों, इस मखलूक़ खुदा को ना देखा हो जो दुनिया में महज एक फ़र्जी और पुरसरार मखलूक समझी जाती है, जब वो इसकी हकीकी ज़िंदगी में शामिल होती है तो उसे समझना, देखना और हज़म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर इस मखलूक का रवैया भी तो अजीब तरह हो जाता है। अब तुम अपने आप को ही देखो, कभी तुम हमें शैतान के आला कार समझते हो और कभी बहुत बड़ा पारसा बुजुर्ग। दरअसल अभी तक रूहानियत के पहाड़ की इस हमवार चोटी पर पहुंचने से पहले पथरीले कांटों और सांपों से भरी पगडंडियों पर तुम चल रहे हो। तुम उस कोह पेमा की तरह हो जो पहली बार पहाड़ पर चढ़ना चाहता है। वो समझता है उसकी चोटी बहुत करीब है और उसे फतह करना आसान। वो हर पगडंडी अबूर करने के बाद महसूस करता है अब चोटी तक पहुंचने का रास्ता हमवार हो गया होगा, मगर रास्ते के पत्थर कांटे और जहरीले कीड़े उसके और चोटी के दरमियान हायल हो जाते हैं। अगर तो उसके इरादे पुख्ता हों, यकीन साबित हो, आहिस्ता आहिस्ता दम लेता हुआ, उलझता हुआ, लड़ता हुआ, सब्र इस्तकामत के साथ सलूक की पगडंडियाँ चढ़ता चला जाता है और बिलाखिर रूहानियत की उस चोटी पर पहुँच जाता है जो उसकी मंजिल होती है। मैं बाबा जी के सीने के साथ लगा हुआ था। उनकी बातें उनके बदन की हरारत जैसी थी, ऐसी ठंडक और राहत आमेज आगोश उस माँ जैसी थी जो बच्चे को उससे कभी जुदा नहीं होने देती। बाबा जी, क्या पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर रूहानी खिलत मिल जाती है? आह मेरे बच्चे, उन्होंने मुझे अपने से जुदा किया और मेरी आंखों में देखते हुए कहने लगे, चलो हमें हवेली ले चलो, रास्ते में ही बातें होंगी। मैंने एक बाजू उनकी कमर के गिर्द लपेटा और उन्हें अपने साथ लेकर हवेली की तरफ चल दिया। चंद कदम चलने के बाद बाबा जी बोले, पहाड़ की वो चोटी जिसे रूहानियत की चोटी समझते हैं, वो सात आसमानों से ऊपर जलवा अफरोज मालिक कायनात खालिकुल मलाइका खालिकुल अजिन्ना और खालिकुल इंस के पास तक पहुंच जाएंगे। उसकी कुर्बत उसके एहसास को छू लेंगे, उसकी तजलियों से अपनी नज़रों को ठंडक पहुँचाएंगे और वो बड़ी रगबत से हमारी तरफ मतवज्जो हो जाएगा। ये बुलंदियाँ जो बहुत ही मसाइब और अलाम झेलने के बाद हासिल होती हैं, उनकी हर मंजिल के अपने कवायद होते हैं। तुमने देखा, पहाड़ की चोटी तक पहुँचने के लिए बहुत सी तकालीफ उठानी पड़ती हैं। इस मंजिल की अपनी राहें और पगडंडियाँ शुरू हो जाती हैं। हम नीचे खड़े होकर जब देखते हैं तो पहाड़ की चोटी बादलों और आसमान से बातें करती दिखाई देती है, लेकिन जब हम उस चोटी पर पहुंचते हैं तो एहसास होता है हमारी मंजिल तो अभी इससे आगे है। कुछ लोग उस चोटी पर ठहर जाते हैं, वो मंजिल से वो ज़मीन से बुलंद हो जाते हैं। उन्हें पहाड़ों, गुलजारों और आबशारों के दरमियान बसने वाले बहुत छोटे कीड़े मकोड़ों की तरह नजर आने लगते हैं। उनकी नज़रें वसतों को मापने लगती हैं। मेरे दोस्त है, मेरे हमदम, ये रूहानी दर्जात पर ठहरे हुए बुजुर्गों में से कुछ ऐसे हैं जो पहाड़ को सर करके उसकी चोटी पर ठहर जाते हैं और दोबारा से खुद को नए सफर के लिए तैयार करने लगते हैं। बाबा जी, ये अपने रियाज शाह साहब किस मुकाम पर खड़े हैं? मैं पूछे बगैर ना रह सका। उसने तो भी पहाड़ की पहली पगडंडी को अबूर करना भी शुरू नहीं किया, अभी उसका नफ्स उसको लताड़ देता है। वो अपने नफ्स का भी गुलाम है। बाबा जी धीरे से बोले, तुमने देखा, अभी तो उसने लूम की सीढ़ी पर कदम रखा है और उसके पास ताकतें आ गई हैं। अभी उसे बहुत सी मुशक्कतें झेलनी हैं और उसे खुद को मारना होगा। वो एक जगह ठहर गया है, उसने इस मुकाम को मंजिल जान लिया है। वो अभी गुमराही के निशान पर रुक गया है, फिर कहीं वो आगे बढ़ने के काबिल होगा। मैं तुम्हें एक बात कह दूँ, रूहानी लूम की सरबुलंदी का ये आलम है कि जो भी इस पहाड़ पर कदम रखता है वो ज़मीन पर बसने वालों से बुलंद हो जाता है। वो अपने इस मुकाम के मुताबिक हर तरह की मख्फी मखलूक से भी काम ले लेता है। मेरे सीने से सर्द आह निकली। इंसान वाकई अजीमतर मखलूक है बाबा जी, मगर इसे अपने इस मुकाम का सही इदराक नहीं है। तुमने सही समझा, काश इंसान खुद को पहचान ले तो इसे ज़मीन पर चलने और फ़जाओं में उड़ने के लिए किसी दूसरी शय की इत्याज न रहे। वो अपने इल्म के बलबोते पर मुसाफते तय कर सकता है, वक्त को मुट्ठी में थाम सकता है, जहाँ चाहे खुद को मुतशक्कल कर सकता है।
तुमने बुजुर्गों की करामात सुनी होगी, तुमने ढेरों ऐसे वाक्य सुने होंगे। एक इंसान जो आपको अभी मिला है, आप जहाज पर बैठकर जब बहुत दूर चले जाते हैं तो वो शख्स वहां भी नजर आता है। इस दौरान गाजी भी आ गया, उसने मुझे आइसक्रीम दे दी। कुछ देर बाद जब हम हवेली पहुंचे तो दरवाजे पर रियाज शाह खड़ा था। उसने आगे बढ़कर बाबा जी को सहारा दिया और अकीदत और एहतराम के साथ मेहमान खाने में ले गया। उस रात हमने हवेली के किसी दूसरे फर्द को इस महफिल में नहीं बुलाया था। बाबा जी मुझे रूहानी असरार और रमूज समझाते रहे, गाजी के साथ बातें होती रहीं। सहरी के करीब बाबा जी चले गए, मगर जाते जाते मुझे दो तोहफे देकर गए, आबे जमजम और सुनहरी तारों वाली टोपी। वक्त रुखसत उन्होंने गुलाम अहमद को भी बुला लिया। इंतहाई खूबसूरती से नाते पढ़ने वाला ये जिंदा हाफिज़ कुरान था। इंतहाई दिलसोज अंदाज में नाते रसूल मकबूल पढ़ता और जज्बो कैफ से तलावत आयात करता तो माहौल बन जाता था। उसने एक नात पढ़ी जिसके बोल आज भी मुझे याद हैं। ये नात मैं बरसों से पढ़ता रहा हूँ, मुझे पूरी याद नहीं है। पंजाबी ये मैं नातिया कलाम किसने तहरीर किया था आज तक मुझे कोई नहीं बता सका। नात रसूल का ये अशार आज भी पढ़ता हूँ तो पूरे बदन में अजीब सी सनसनी फैल जाती है। ईरानों बियाबानों कब्रस्तानों और रात के अकलापे में जब मुझे बाबा जी की याद शिद्दत से आती है तो इस नात रसूल का ये शेर मेरे लबों पर आ जाता है और मैं फिजाओं में उस वजूद के एहसास को छूने की कोशिश करता हूँ जिसने मुझे कई रोज तक अपने पास रखा था। काबे दा गुलाब काला दूरों लहराए नी, मंगो नी दुआ मौला सबनू बुलाए नी। अफसोस के मुझे ये नात पूरी याद ना हो सकी, कैफियत ही कुछ ऐसी थी। मैं गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर भी ये नात कोशिश करता था कि पढ़ता रहूं, मगर आज जब वक्त बहुत तेज़ी से गुजर चुका है और मैं बहुत कुछ भुला भी चुका हूं, मुझे ये नात भूल चुकी है एक तरह से, मगर उसका ये पहला शेर कभी नहीं मैं भूल पाया। दोस्तों, आप जो मेरी ये कहानी सुन रहे हैं, आपने ज़िंदगी में कभी इस नात के ये अशार सुने हों और आप ये समझते हों कि आपने ये पूरी नात सुनी है, तो मेरी आपसे ये इल्तमास है कि यहाँ कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर इसके बारे में बताइएगा। इससे अगली शाम भी मेरे लिए बड़ी मसरूफ़ और अजीब तार थी। शाम को ही शाह साहब ने मुझे कह दिया था कि आज वो मुझे अपने साथ समड़ियाल लेकर जाएंगे। ये कस्बा वज़ीराबाद सियालकोट रोड पर है, नहर के किनारे आबाद। इस कस्बा को चंद माह पहले ही तहसील का दर्जा दिया गया था। क्या मैं पाकिस्तान से कबल यहाँ सिख और हिंदू रहते थे। यहाँ सियालकोट का ड्राई पोर्ट भी है जो नहर के किनारे पर है। शाह साहब ने बताया कि उन्हें एक सितम गजीदा घराने की मदद करनी है। इस घर में आने वाली हर बहू पर जिन आशिक हो जाता था, जिससे घबराकर इस घर के नौजवान कस्बा छोड़ जाते थे। अब मेरा छोटा बेटा, एक बेटी, उनकी वालदा और वालद रह रहे थे। छोटी बहू को भी दौरे पड़ते थे, लेकिन उनका बेटा इमरान अपने अकीदे पर सख्ती से कारबंद था। वो कहता था हमारे घर में जिन भूत का साया तक नहीं, ये सिर्फ वहम परस्ती। घर का सरबराह सुनहरा था, पैसे की कमी नहीं थी, खुशहाली थी। हम उनके घर मगरब के वक्त पहुंच गए थे। बड़ी आलीशान इमारत थी लेकिन एक सदी पुरानी। घर में अंजीर का 50 साल पुराना कोई दरख्त भी था। उसके सामने लॉन था जिसमें घास और पौधे थे। लॉन से आगे रिहायशी कमरे थे। घर में एक शेफर्ड नस्ल का कुत्ता भी था, बहुत खौफनाक शक्ल थी उसकी। सुनहरे का नाम भट्टी फर्ज कर लेते हैं, असल नाम लिखने की हमें इजाज़त नहीं है। सुनहरे भट्टी ने हमारे लिए बहुत पुरतकल्लफ खाना तैयार किया था। एडमराला की ताज़ा मछली पकवाई थी। इशा पढ़ने तक हम घर वालों के साथ बातचीत करते रहे। सुनहरा भट्टी बार बार शाह साहब से और मुझसे बाबा जी के मुतालिक बातें करता रहा। वो बड़ा मशाक था, उसे वहम था कहीं हम उसे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे। इशा के बाद शाह साहब ने घर के सभी अफराद को बड़े कमरे में बुला लिया, दरवाज़ा बंद करके लाइट बुझा दी। उन्होंने महफिल के आदाब से भी आगाह कर दिया। सब ने दुरूद इब्राहिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना शुरू कर दिया। शाह साहब बिजली के स्विच बोर्ड के पास खड़े थे। वो जेरे लब गैर मनूस जुबान में कुछ पढ़ने लगे और साथ साथ बिजली को ऑन ऑफ करते रहे। चंद मिनट बाद वो वहाँ से हट गए। कमरा अंधेरे में डूब गया और साथ ही अस्सलाम वालेकुम की भारी भरकम आवाज़ आई। बाबा जी अपनी असली शक्ल में आ गए थे। ये बिजली का बार बार बुझाना और वज़ाइफ़ पढ़कर उन्हें तलब करना दरअसल उन्हें असल जन्नाती शक्ल में ही मुतशक्ल करने का बायस था। घर के सभी अफराद ने फौरन वालेकुम अस्सलाम कहकर उनका इस्तकबाल किया। बाबा जी की आमद से सुनहरे भट्टी की सांसें जोश से तेज हो गई। बाबा जी की आमद के साथ ही शेवड़ कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया था। इसे तो दफा करना था रियाज शाह, बाबा जी की गंभीर आवाज़ सुनाई दी। मुझे याद नहीं रहा सरकार, रियाज शाह जल्दी से बोले। इमरान, अरे भट्टी के बेटे को मुखातब किया, कुत्ते को किसी दूसरे घर में छोड़ आओ। इमरान कमरे से बाहर निकलने ही लगा था कि कुत्ता दर्दनाक आवाज़ में चीखने लगा। ठहरो, तुम अब बाहर ना जाना, गाजी की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। मैंने उसे सुला दिया है। सुला दिया? मार दिया? क्या मेरा कुत्ता तूने मार दिया है? ये तो बहुत कीमती था। इमरान चीखने लगा, तुमसे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं, गाजी उसके पास पहुंचकर बोला। फिर उसने उसे चुटकी काट खाई कि इमरान बिलबिलाने लगा। कौन हो तुम, ये क्या करते हो, पीछे हटो ना। वो बुरी तरह घबरा गया। गाजी इधर आराम से बैठो,
बाबा जी ने उसे डांट कर कहा तो वो मेरे पास आ गया और मेरे कान में सरगोशी करके बोला, भैया यहाँ तो पूरा कबीला आबाद है, सारे हिंदू हैं, बरसों से उनकी पक्की यहाँ आबाद है, इसमें चुड़ैले भी हैं। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि चुड़ैले जिन्नात और शयातीन के दरमियान एक बिगड़ी हुई शैतानी मखलूक है, जिस तरह घोड़े और गधे के माबेन एक मखलूक खच्चर कहलाती है, इसी तरह जिन्नात और भूतों के दरमियान भी एक मुन्नस मखलूक जो है वो चुड़ैल कहलाती है, ये काफर होती है। उनका काम इंसानों को गुमराह करना और उन्हें गंदगी पर मायल रखना होता है। काम तो बहुत भारी है, बाबा जी ने सबका हाल अहवाल जानने के बाद कहा और फिर शाह साहब के साथ उसी गैर मानूस आवाज में बात करने लगे। बात मुकम्मल करने के बाद शाह साहब मेरे पास आए और एक कुंद सी छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी और कहा, होशियार रहना, आंखें मुकम्मल ना खोलना, बाबा जी चुड़ैलों को पकड़ने लगे हैं। अभी उन्होंने ये कहा था कि कमरे में जैसे भूंचाल सा आ गया, एक औरत की दहशतनाक आवाज आने लगी, बारीक और बहुत ही तेज आवाज थी ये, उई मैं मर गई, हाय मैं मर गई, वो रोते हुए चिल्लाने लगी, बाबा जी इसको बाज करो, मुझे चुटकियां काट रहा है। मैंने जानबूझकर आंखें खोल दी, अंधेरे मेरे लिए रोशनी बन गए थे और रात की स्याही में छुपे वजूद मुझ पर बेनकाब हो गए थे। चुड़ैल एक बड़ी परछाई की तरह पूरे कमरे में भाग रही थी, घर के सभी अफराद के पीछे सफ़ेद लबादा ओढ़े जिन्नात खड़े थे, जो परछाई नुमा चुड़ैलों से उन्हें महफूज किए हुए थे। गाजी उसके पीछे भाग कर उसे चुटकियाँ काट रहा था और फिर उसने पकड़ कर दरवाजे के पास खड़ा कर दिया। आप जानते हैं मेरी पक्की बड़ी ताकत वाली है, अगर तुमने इन इंसानों की वजह से हमें तंग किया तो हम इस घर को जलाकर राख कर देंगे, चुड़ैल रोते हुए बोलने लगी। बकवास बंद करो, गाजी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा तो वो धाड़े मार मार कर रोने लगी। जो सरकार ने पूछा है उसका जवाब दो, हम 70 साल से यहाँ आबाद हैं, अंजीर के पौधे पर हमारी पूरी पक्की आबाद है, इन भले इंसानों को तंग क्यों करती हो, बाबा जी ने सख्त लहजे में पूछा। पहले तो उसने एक बार फिर जवाब देने से गुरेज किया, लेकिन जब गाजी उसकी गर्दन नापने लगा तो वो बोली, इनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस सन्यारे का बाप जब इस कोठी में आबाद हुआ तो उसने हमारे स्थान को पामाल कर दिया था। इसका बाप तहज्जुद गुजार था, बड़ी इबादत करता था, हम उसको तंग ना कर सकें। इसके मरने के बाद इस मुए भट्टी की औलाद को हमने निशाना बनाया, इसे कहो ये घर छोड़कर चला जाए, हमें सुख चैन से रहने दे। मैं कैसे घर छोड़कर जा सकता हूँ, ये कोठी बड़ी महंगी है, सुनहरा भट्टी चुड़ैल की बात सुनकर कांपती हुई आवाज़ में बोला, बाबा जी आप इन्हें निकाल दें यहाँ से। चुड़ैल ये सुनकर बोली, तुम हमारी कीमत अदा नहीं कर सकते, हम यहाँ से नहीं जाएंगी, जाना तो तुम्हें पड़ेगा, बाबा जी सख्त अंदाज में बोले और फिर गैर मानूस जुबान में शाह साहब के साथ बातें करने लगे। गाजी ने चुड़ैल का मुंह बंद करके रखा हुआ था। भट्टी साहब, इन्हें मारना इतना आसान नहीं है और इन्हें यहाँ से रुख्सत करने के लिए ज़रूरी है कि उनको इसकी कीमत अदा कर दी जाए। कितनी रकम चाहिए, सुनहरा भट्टी बोला, मेरे बस में हुई तो दे दूंगा मैं। 50 तोले मांगती है ये सोना, रियाज शाह बोले, 50 तोले, जनाब मैं इतना सोना कहाँ से लाऊंगा, 5-10 तोले तो दे सकता हूँ मैं, और फिर सोना इसके किस काम का, सोना तो 50 तोले ही मिलेगा इसको, और अभी नहीं अदा करके ही रुख्सत करना होगा, इन्हें मोहलत नहीं दे सकते, रियाज शाह ने कहा तो सुनहरा भट्टी बुखला गया, ये तो मुमकिन नहीं है सरकार, मैं कैसे इसका बंदोबस्त कर सकता हूँ। अरे चुप करो जी, उसकी बीवी तड़क कर बोली, क्या ये सोना हमारे सोने जैसे बच्चों से ज़्यादा कीमती है, अभी उसने ये कहा ही था कि दूसरे कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। ये सुनते ही सुनहरे की बहू चलाई, उसका बच्चा दूसरे कमरे में था, बाबा जी समझ गए कि क्या होने वाला है, उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि दूसरे कमरे में जाओ और बच्चा उठा कर ले आओ। मेरे लिए एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना कोई बहुत लंबी मुसाफत नहीं थी, लेकिन जब फितरत की एक ऐसी सच्चाई आपके सामने खड़े हो जिसे झुठलाना नामुमकिन हो, आपके लिए पुलसरात भी बन जाती है, अंगारवादी भी बन जाती है, खारजदार भी बन जाती है। अंदर बच्चा बिलक रहा था, इधर उसकी माँ तड़प रही थी, उसे खिंचा था ये बलाएं उसके बच्चे को ना मार डालें। मुझे हुक्म हो चुका था यहाँ से अंदर जाऊँ और बच्चे को उठा कर लाऊँ, बज़ाहिर मामूली सी बात थी, कमरे का दरवाज़ा 4 कदमों पर था। मैं जब उसके दरवाजे तक पहुँचा तो गाजी के हाथों माही बेआब की तरह मचलती हुई परछाइयों ने चंगाड़ मारना शुरू कर दी और मछली की तरह उनके हाथों से निकल गई। लम्हे बिल्कुल साकत हो गए, कमरा खौफ के समुद्र में डूब गया। सिर्फ एक लहजा में इंसानों के दिल धड़कते सुनाई देने लगे थे, परछाई मुझ पर जपी थी और इसका एहसास मुझे उस वक्त हुआ जब बाबा जी सरकार इससे भी ज़्यादा तेज़ी के साथ मेरे और उसके दरमियान दीवार बन गए थे और फिर उन्होंने उल्टे हाथ का ऐसा थप्पड़ उसके मुंह पर मारा कि वो बिलबलाती और उछलती हुई उसी कोने में दोबारा मुकैद होकर रह गई जहाँ गाजी खड़ा था। मेरा पूरा बदन झुरझुरी लेकर रह गया, दिमाग में अजीब सी सनसनाहट तैरने लगी। बाबा जी ने मेरे कंधों पर अपना रुई के गालों जैसा हाथ रखा तो मेरे असाब पर तारी लर्जे की चादर सिरक गई। जाओ बच्चे को उठा लाओ, बाबा जी ने शफकत से मुझे अंदर की तरफ भेजा। दूसरा कमरा घुप अंधेरे में डूबा हुआ था, कुछ सुझाई ना देता था। मैं दाएं बाएं देखने लगा तो अचानक चंद कदम के फासले पर दाएं जानब शोला सा बुलंद हुआ और किसी नादीदा हाथ ने मोमबत्ती रोशन कर दी। एक
तख्त पोश बिछा हुआ था उधर, जिस पर कोई शख्स सफेद चादर लिए दुर्जानो बैठा था। उसके सामने एक बड़ी सी गठरी रखी हुई थी जिसमें खासी उछल कूद हो रही थी। वो शख्स थोड़े थोड़े वक्फा से कोई शय उठाता और गठरी पर मारने लगता तो उसके अंदर मचलने वाली चीजों की तेज सीटी जैसी चीखें सुनाई देने लगती। बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ टांगे मार रहा था। मैंने जल्दी से उसे उठाया और वापस कमरे में पहुंचा तो मेरी सांसें फूल चुकी थी। मुझे यूं लगा जैसे मैं बहुत दूर से मिलों से दौड़ता हुआ आया हूं। भैया डर गए गाजी ने मेरे पास आकर मेरे हांफते कांपते और धड़कते दिल की चाप सुनी तो मुझसे शरारतें करने लगा। यार मैंने कभी ये काम नहीं किया, डर तो लगना ही था, मैंने फूली हुई सांसों के दरमियान जवाब दिया। कमाल है, आप तो बहुत कुछ देख चुके हैं। टाली वाली सरकार के पास भी तो कालिदास के चेलों की टकाई हुई थी, वहां भी तो उन्हें बोरियों में बंद किया गया था, याद है? उधर जब कुत्ता भौंकने लगा था तो पक्षी की चड़ेलों ने उधम मचा दिया था, इसलिए उन्हें पकड़कर बांधना पड़ा। अंदर गुलाम अहमद और हमारे दूसरे साथी जिन्नात इन पर पहरा दे रहे थे। वैसे भैया आपको डरना नहीं चाहिए था, आपके पास वज़ाइफ का खजाना और हाथ में छुरी थी, फिर भी आप घबरा गए, गाजी मेरा मजाक उड़ाने लगा। यार मैं कोई आमल कामल तो हूँ नहीं, हर आदमी अपने काम में ही अच्छा लगता है। अभी मेरे लिए ये तजर्बात बड़े हैरतनाक और हौलनाक हैं, दिल आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो जाएगा। हम दोनों को यूं ही बातें करते देखकर अहले खाना के दिल से भी खौफ उतरना शुरू हो गया। सुनहरा भट्टी तो बाबा जी की शख्सियत और उनकी कुव्वत से इस कदर मुतासर हो गया कि अब वो उन्हें 80 तोले सोना देने पर भी तैयार हो गया था। कहने लगा, मैं आपको 80 तोले सोना दे देता हूँ, लेकिन इस बात की जमानत क्या है कि मेरे बच्चे इन शैतानों से महफूज रहेंगे? क्या ये हमारा होना इस बात की जमानत नहीं है? बाबा जी ने उसे प्यार से डांटा। मारा ये बेटा तुम्हारे पास है, जब तुम्हें कभी ऐसी शिकायत हो उसे कह देना। उन्होंने रियाज शाह की तरफ देखा। मुझे इस सौदेबाजी से बड़ी हैरानी हो रही थी कि बाबा जी ने भी भट्टी सुनारी के घर से चुड़ैलों की पक्की खत्म करने के लिए ये सौदाबाजी कराई है। वो इतना सोना लेकर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? मुझे ये सब बड़ा अजीब लग रहा था। क्योंकि अब मुझे किसी भी किस्म की हुज्जत से मना कर दिया गया था, इसलिए मैं उनसे दरियाफ्त ना कर सका, मगर मेरे अंदर का हुज्जती इस तशवीश में ज़रूर मुबतला रहा कि आखिर उन्होंने सुनारे से इस कदर सोना तलब क्यों किया है। सुनारे पुत्र, जब मामला तय हो चुके तो बाबा जी एक तवील वक्फा के बाद उससे मुखातब हुए। तू दिल से राजी है ना? सुनारे भट्टी ने जवाब देने में तामल से काम लिया और फिर बोला, तो यूं लगा जैसे कि शाहराग पर किसी ने छुरी रखकर उसे बुलवाया हो। जी जान है सरकार। बाबा जी हंस पड़े, अपनी जान तो सभी को प्यारी होती है, तूने सच कहा है। बाबा जी हंसकर बोले, ये गंदी मखलूक हमने पकड़ी है, इसकी भी जान है, हम मुसलमानों को एक जान का हिसाब देना है। हम अगर किसी को कत्ल कर देंगे तो उसकी कोई मकबूल वजह हमारे पेशे नज़र होनी चाहिए। बेवजह कत्ल करना अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा अमल है। किसी काफर को भी बेवजह कत्ल करना, हत्ता के कीड़े मकोड़ों जानवरों का कताल बेवजह करना, एक मुसलमान के तकवा और ईमान का इम्तिहान बन जाता है। अलबत्ता मुजी जिन्स का कत्ल वाजिब होता है जब वो आपकी जान लेने पर तुल जाए या वो अल्लाह की रबूबियत को ठकरा कर आपके खिलाफ जहाद शुरू कर दे, लेकिन यह मामला भी बहुत हसास है, इस पर बात फिलहाल मुअख्खर करते हैं। यहाँ तुम्हें चड़ेलों के कत्ल के हवाले से कुछ बताना चाहता हूँ। इन्हें मार देना हमारे लिए मुश्किल काम नहीं है, हम जहाद समझते हुए इनका कत्ल कर देंगे, और ये हम करते रहते हैं। मुशरक जन्नात और गहरे धुएँ की शैतानी मखलूक के खिलाफ जहाद उस वक्त से जारी है जब से ये दुनिया बनी है और इस ज़मीन पर इंसान आबाद नहीं हुआ था अभी। लुत्फ की बात यह है कि वो शैतान आज़म यानी इब्लीस, जिसे तुम जन्नात से मुख्तलिफ मखलूक समझते हो, दर हकीकत एक जिन ही था। उसकी अतायत खुदाबंदी बेमिसाल थी। उसने ना जाने कितने ज़मानों तक काफर जिन्नात के खिलाफ जहाद किया था और अपनी इबादत और रियाजत के दर्जात तय करते हुआ सुल्तानुल मलाइका बन गया था, यानी फरिश्तों को भी दर से हदायत देता था। लेकिन जब वो तकब्बर के गज़ब में मुबतला हुआ और उसने आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया तो वह शैतान लानती बन गया। ये चिड़ेलें भूत जिन्नात से कतरे मुख्तलिफ मखलूक हैं जो सिर्फ दीन इब्लीस पर अमल पैरा हैं। तुम मुसलमान अपनी इबादत और अल्लाह ताला की अता से इस मखलूक पर भारी हो और इस हिजाब कुदरत और निज़ाम मखलूकात की वजह से इनसे महफूज रहते हो, जो इस मखलूक को नज़र नहीं आता और तुम्हें भी नज़र नहीं आता। हाँ, तुम रियाजत और इबादत के बलबूते पर देख लो तो देख लो। इसके अलावा ये मखलूक तुम्हें अपने एहसास दिलाए बगैर तुम्हारे गुमान से ज़्यादा तुम्हें तंग करेगी, तुम्हारे आस पास तुम्हारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करेगी। तुम बराह रास्त मुतासर होते हो, जबकि यह घर जहाँ कभी हिंदुओं का मरगढ़ था, इस आबादी में सिख और हिंदुओं की बहुत ज़्यादा अफरात रहा करती थी और ये यहाँ के मुकीमी लोग थे, ये यहाँ के काबिज थे। अवला तो उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए था। ये हुक्म खुदाबंदी है, इस मखलूक को इंसानी बस्तियों पर क्याम की इजाज़त नहीं है। लेकिन जो जिन्नात और भूत चढ़ेले अपने पुरखों की रवायत और अपने खानदान की असबियत का शिकार होते हैं, वो अपनी जगह बड़ी मुश्किल से छोड़ते हैं। बाबा जी की बातें सुनकर मैं चौंकता चला गया।